बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम योर टीचर आमना अमात एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। माई डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर दैट इज प्लांट सिस्टम। टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 5 दैट इज अबाउट प्लांट ऑर्गन्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो आज हम किस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे? That is internal and external structure of leaf. आज हम leaf के internal और external structure के बारे में पढ़ेंगे। So quickly देखते हैं SLO क्या है हमारा। Explain the root and shoot system in plants. Label different parts of leaf, stem and root. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो SLO है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज रूट एंड शूट सिस्टम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज लीफ। लीफ का हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है पौधे के लिए। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर, इस तस्वीर से आप पहले फेमिलियर हैं। हमने पहले लेक्चर्स में टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, उसमें ये तस्वीर आपको दिखाई गई थी। ये लीफ के टिश्यूज की तस्वीर है। सो मुझे क्विकली बताएं कि हमने लीफ में कौन कौन से टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज लोकेटेड इन लीफ, लीफ में कौन कौन से टिश्यूज जो हैं वो लोकेट होते हैं। गुड, लीफ में 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो लोकेट होते हैं। आउटर, सबसे पहले जो लेयर्स आती हैं आउटर में, अपर, उसके अपर पार्ट्स पे और लोअर पार्ट्स पे, वो आती हैं डर्मल टिश्यूज की लेयर्स। उसके बाद अंदर ये और ये वाला जो हिस्सा है ये आता है ग्राउंड टिश्यूज, और जो ये वेसल्स की तरह ये जो लंबी लंबी वेन्स होती हैं दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स इन प्लांट्स। लीव्स का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के लिए, लीव्स प्लांट्स के लिए क्या करते हैं। गुड, लीव्स जो हैं वो प्लांट के लिए खुराक की तैयारी करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं जो के होल पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज करते हैं और फ्लोएम के जरिए वो तमाम पार्ट्स तक पहुंचती है। हम देखते हैं लीव्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, हमें क्या क्या दिखाई देता है। जब हम एक पत्ता पकड़ते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से हिस्से नजर आते हैं। सबसे पहले जो ये टिप होती है डेट इज एपिक्स, उसके बाद ये जो बाउंड्री हमें नजर आती है लीफ की डेट इज मार्जिन, फिर हमें लीफ में ये छोटी छोटी सी वेन्स नजर आती हैं, ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल्स की के इंप्रेशंस होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। फिर एक दरमियान में हमें मोटी सी वेन नजर आती है दैट इज मिडरिब, जो क्या होती है, मेन सप्लाई होती है वेस्कुलर बंडल्स की, और उसकी आगे से डिवीजंस होती हैं दैट आर वेन्स। फिर लीफ जो है पेटियोल के साथ ये जो लंबी सी स्टॉक होती है जो इसको तने के साथ जोड़ती है, इसके साथ ये जो लीफ का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है डेट इज बेस। ये सारे जो हिस्से मैंने आपको बताए, एपिक्स, मार्जिन, वेन्स, मिडरिब एंड बेस, ये सब जो है वो कलेक्टिवली कहलाते हैं ब्लेड। इसके बाद जो ये स्टॉक आती है जो पत्ते को तने के साथ जोड़ती है
वो क्या है, पेट्रियोल। और जब पेट्रियोल जो है वो तने के साथ पत्ते को जोड़ती है तो वहां से छोटे छोटे से हमें ये पत्ते नजर आते हैं, छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस नजर आती हैं, दैट आर स्टाइप्यूल्स। तो ये था पत्ते का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से उसके हिस्से नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि पत्ते का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, सबसे पहले जो लेयर आती है सेल्स की, दैट इज एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पत्ते के ऊपर वाले हिस्से में और पत्ते के नीचे वाले हिस्से में, वो क्या होती है, एपिडर्मिस सेल्स की लेयर होती है। उसके बाद आते हैं मेसोफिल सेल्स, जो के दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज पैलिसेट मेसोफिल, सेकंड वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल। उसके बाद जो वेसल्स की तरह, वेन्स की तरह जो सेल्स आते हैं वो क्या है, वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये एक तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, कट करके दिखाया गया है पत्ते को। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, और ये नीचे की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है अपर और इन लोअर, ये जो हैं एपिडर्मिस सेल्स हैं। एपिडर्मिस सेल्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जो पानी के ज्यादा लॉस को बचाती है, प्रिवेंट करती है ताकि ज्यादा पानी जो है वो लॉस ना हो। इसके अलावा एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है। और जो नीचे वाली एपिडर्मिस सेल्स की लेयर होती है, वहां पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, दैट आर स्टोमेटा, जो पौधे के लिए गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। और जब ट्रांसपायरेशन होती है, इवेपोरेशन होती है, पानी जो है पत्ते से निकलता है, तो उसके लिए पौधे की उस ट्रांसपायरेशन में हेल्प आउट करते हैं। और जो ये गार्ड सेल्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद मेसोफिल सेल्स आते हैं। मेसोफिल सेल्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज पैलिसेड मेसोफिल एंड सेकंड वन इज स्पॉन्जी मेसोफिल्स। जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, कॉलमनर होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो स्पेस नहीं होती। जो सेकंड मेसोफिल सेल्स हैं उनके दरमियान, उनके सेल्स के दरमियान स्पेस होती है और वो इरेगुलर होते हैं। आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं ये इरेगुलर हैं, इनकी कोई रेगुलेशन नहीं है, ये एक तरतीब में नहीं जुड़े हुए, इसीलिए इनको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये पत्ते को एक स्पॉन्जी फॉर्म देते हैं। इसके बाद जो ये वेन्स की तरह के जो सेल्स हैं, दैट आर वेस्कुलर बंडल्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो है पत्ते के लिए पानी की कंडक्शन करता है और फ्लोएम जो है वो खुराक की कंडक्शन करता है। सो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लेड जिसमें एपेक्स, मिडरिब, वेन वगैरह पढ़ा हमने। इसके बाद हमने देखा पेट्रियोल, जो पत्ते को तने के साथ जोड़ती है, और स्टाइप्यूल, जो छोटी छोटी पत्तों की एक्सटेंशन निकलती है बेस पे, पेट्रियोल की बेस पे, दैट आर स्टाइप्यूल्स। फिर हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सबसे पहले जो सेल्स आते हैं लीफ में, दैट आर एपिडर्मिस। उसके बाद मेसोफिल सेल्स, जो कि दो तरह के होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स, जो पत्ते के लिए खुराक और पानी की कंडक्शन करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज क्या होमवर्क करना है, ड्रॉ एंड लेबल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड राइट द फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ लीफ। आपने लीफ के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो आज आपने पढ़ा
उसको आपने ड्रॉ करना है, लेबल करना है और उनके सारे फंक्शंस आपने लिखने हैं. सो आई होप नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.